हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है नीतू के खाना खजाना में। और आई होप आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कप गेहूं के आटे से गुलाब जामुन। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी जो है ये गेहूं का आटा लिया है, और साथ में मैंने घर का मावा तैयार करके रखा था, वो मावा है 1 kg दूध का। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छे तरह से मिला लेना है दोनों को, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। भले लगेगा कि थोड़ा सा सख्त है, तो मैं 1-2 चम्मच दूध डालूँगी बस। और ये रसगुल्ले जो है बन के बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये तो मैंने देखिए तोड़ के मैंने मिला लिया है मावा को और आटे को। ये थोड़ा सा सख्त लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा दूध इसमें डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, 1-2 चम्मच। इसको हथेलियों की मदद से खूब इसको मलेंगे। मल के एकदम चिकना कर लेंगे। देखिए ये मेरा जो है ये डो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो मैं इसको क्या करूँगी ना, इसी तरह का डो चाहिए, तो इसको 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट कर देती, करने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। देखिए चाशनी बनाने के लिए जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है, और इसमें मैं डालूँगी 1.5 कटोरी पानी। और इस चाशनी को 1 तार या 2 तार वाला नहीं बनाना है, एक चटचटापन आ जाए, लो और मीडियम फ्लेम पर बनाऊंगी। ये देखिए मैंने 1.5 कटोरी पानी लिया है, अब इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ। जब तक चाशनी बन जाता है, उसके बाद मैं इसका ये बना लेती हूँ। देखिए ये मेरा चाशनी जो है ये रेडी हो चुका है। तो देखिए खाली चाशनी में क्या है ना, बस 1 तार या 2 तार के लिए नहीं है, बस खाली चीनी मेल्ट हो जाए बस हो गया। और चाशनी को कभी भी रसगुल्ले में मैं गरम गरम नहीं डालूंगी, बहुत गरम है, तो मैं इसको अभी ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ, और तब तक मैं रसगुल्ले बना लेती हूँ। ये देखिए मेरा जो है ये 10 मिनट हो चुका है, तो मैं इसको हथेलियों की मदद से ऐसे ऐसे गोल गोल, मैं तो गोल शेप में ही काला जामुन बना रही हूँ। देखिए ये कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। सारे इसी तरह से मैं गोल गोल बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा साइज जो है मैं ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं कर रही हूँ, मीडियम साइज के। आपको जैसा मन हो सेफ आप डाल सकते हो। देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, घर का बना हुआ खोआ है तो इससे और भी टेस्टी मिठाई बन के तैयार हो जाता है। सारे मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। अब तब तक मैं कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा देती हूँ। देखिए फ्रेंड, इधर मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है, तो मैं इसमें घी में ही तलूंगी। मैं देसी घी जो है उसी में मैं तलती हूँ। आपको जिसमें भी तलना हो आप तल सकते हो, आप रिफाइंड में भी यूज कर सकते हो। ये 4 चम्मच के करीब मैं देसी घी डाल रही हूँ। मैंने घी भी घर का ही यूज कर रही हूँ, छाली था मेरे पास पड़ा हुआ, तो उसी से मैंने घी तैयार कर लिया था। ये देखिए घी गर्म हो जाता है। देखिए मेरा घी गर्म हो चुका है, तो सारे ये रसगुल्ले जो है ये मेरे तैयार हो चुके हैं। तो मैं एक एक करके घी में डालती हूँ, और फ्लेम को मैं क्या करूँगी ना, मीडियम ही रखूँगी, ज़्यादा हाई नहीं, क्योंकि हाई रखने से ये जल जाएंगे, तो फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम और लो फ्लेम पर ही इसको। एक बार में ज्यादा नहीं, 10 रसगुल्ले में डाल रही हूँ।
रसगुल्ले को क्या करना पड़ता है ना, चारों तरफ से देखिए चलाना पड़ता है, नहीं तो कहीं से ब्राउन हो जाएंगे और कहीं से कच्चे हो जाएंगे या जल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसको एकदम ब्राउन होने तक मैं पका लेती हूँ। इस तरह से बार बार इसको चलाना पड़ता है। देखिए मेरे रसगुल्ले कितने अच्छे फूलने जा रहे हैं, फूल फूल के एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे। देखिए मेरे रसगुल्ले जो हैं कितने अच्छे एकदम, आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं। ये देखिए वाह कितना टेस्टी रसगुल्ला मेरा एकदम, देखिए एकदम सॉफ्ट है अंदर से। तो इसको मेरा चाशनी जो है ना ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो उसी चाशनी में मैं डायरेक्ट ही इस चाशनी में ही रसगुल्ले देखिए डाल दे रही हूँ। चाशनी में ही मैं डायरेक्ट ही रसगुल्ले डाल दे रही हूँ। देखिए डायरेक्ट चाशनी में ही मैं रसगुल्ले को डाल दी हूँ और इसको थोड़ा सा पलट देती हूँ और ये अपने आप इसको इसमें रस पी लेगा। और इसी तरह से मैं सारे रसगुल्ले तैयार कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, देखिए मेरा रसगुल्ला जो है एकदम गुलाब जामुन कितना अच्छा टेस्टी बन के तैयार हो चुका है। और देखिए मैं इसको छू के भी दिखाती हूँ, देखिए एकदम अंदर से जो है एकदम सॉफ्ट है। आई होप आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग दीपावली में ज़रूर से ज़रूर ये मिठाई ट्राई कीजिएगा।